गुड मॉर्निंग पिला मैंने आज आउ गोटे ऑर्गेनेल विषय आम पढ़ा राइबोसोम विषय ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारीचे वर्तमान आम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ा लाइसोसोम। सो या ऊपर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे पढ़े जे लाइसोसोम दिस इज नोन एज सुइसाइडल सैक ऑफ सेल व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुइसाइडल सैक ऑफ द सेल जदि पढ़ आंसर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम मेनली आमर एनिमल सेल गुड़ाक थाए प्लांट सेल गुड़ाक जो थाए आमर लाइसोसोम गुड़ाक अल्प अमाउंट प्लांट सेल थाए। सो लाइसोसोम कौन है ना मेन फंक्शन है एरो डाइजेशन। डाइजेशन में भी टू टाइप्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन आ गोटे है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो जदि पचरा हम दि मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डैश देन इट इज डाइजेशन। सो व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन यदि कह देन इट इज लाइसोसोम। व्हिच इज नोन एज सुइसाइडल सैक ऑफ द सेल यदि पचरा हम देन इट इज लाइसोसोम। व्हिच ऑर्गेनेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिच माने धनी कौ ऑर्गेनेल रे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम गुड़ाक बहुत अधिक थाए यदि पचरा हम ताल एटा है लाइसोसोम। व्हिच ऑर्गेनेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यदि पचरा हम देन इट इज लाइसोसोम। एगेन मुझे तुमको कही जितेबले कौन टेक्निकल टर्म पड़ोता आम आनालीसीस जब करदे तार अर्थ बुझे हाइड्रो मीन्स व्वाटर लाइटिक मीन्स लाइसीस वार्ड रु आसी लाइटिक लाइसीस मैंने ब्रेकडाउन हे तो मैंने व्वाटर प्रेजेन्स गोटे सब्सटास्टा भांगा को कहती हाइड्रोलाइसीस। हाइड्रोलाइसीस करुवा एंजाइम गुड़ाक कहते हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ताने एगुड़ाक सब डाइजेस्टिव एंजाइम जमीक आम कहीपर न्यूक्लिक एसिड की जी डाइजेशन करिवो न्यूक्लिक एसिड को जी डाइजेशन करिवो ताको कहि परिवा हमें न्यूक्लिएज न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड माने दो प्रकार जिनस भितर अछि गोटे है डीएनए आ गोटे हूँ आरएनए। डीएनए को जी डाइजेशन करिवो से डीएनएज हम एंजाइम ना जिते लगे लास्ट को आम एसी गोटे लगे दूचे। सो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन अच्छी सेमती प्रोटीन डाइजेशन रही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम अच्छी। सो अबाउट 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस लाइसोसोम। तुमको जब पचरा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम देन आंसर इज अबाउट 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक मैंने तुमको ऑलरेडी कही सारे ये डाइजेशन प्रोसेस रे हेल्प कर। डाइजेशन प्रोसेस मैंने कौन कि सब बड़ बड़ फूड मॉलिक्यूल गुड़ाक भांग वाटर प्रेजेन्स भांगिक छोट छोट हम से ही डाइजेशन कह जाए। एवं जदि प्रोटीन डाइजेशन कहबा ताले से एंजाइम ना हेपर प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जदि करबो जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डीएनए जदि हला डीएनएज एसी लास्ट को लगे देले हे गला आरएनएज एसी लगे देबा। सो एटा हला तमर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम गुडा करोच एंड समटाइम्स आमे कहि परबा व्हिच ऑर्गेनेल इज रिच इन एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज कथा जदि पचारबा एटा जते हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स गुडा रहिछि ये सब एसिड मीडियम रे काम करछ। एसिड मीडियम माने तुम जान पाने जे अम्ल आउ क्षार अम्लटा हूँ पीएच 7 रु जदि आम तलूक रहा को अम्ल बोली कहचे 7 रु जदि उपरक रीएच गुड़ाक आम से क्षार बोली कहे पीएच एगेन कौन तुम केमिस्ट्री पढ़े सार पोटेनसीमेट्री अफ हाइड्रोजेन आयन कनसेट्रेसन जो थी कि तुम जापर जो गोटे अम्लीय जिनस कि क्षार जिन। सो अम्लीय एसीडिक पीएच रे यही एंजाइम गुड़ा काम करथारु आको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलिक कहचे। एसिडिक पीएच दैट इज अबाउट 4.6 to 5 पीएच लेवल ले यही एंजाइम गुड़ा काम करे। तो आमर बेसिक कनसेप्ट होगा लाइसोसोम विषय जे लाइसोसोम गोटे ऑर्गेनेल जो थे कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम गुड़ाक रही। व्हिच ऑर्गेनेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जदि कह देन इट इज लाइसोसोम। अबाउट 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम जस्ट लाइक डीएनएज आरएनएज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनेज एंड फैट रमी लाइपेज भी कहींपर डाइजेशन फॉर फैट इज एंजाइम रिक्वायर्ड इज लाइपेज
So these are all enzymes. So which are present inside the lysosome. I got a question for it. Which organelle shows maximum polymorphism? Co organelle ta sabutu adhika vibhirna form ra rahe. Which organelle shows, question time di rahitva, which organelle shows maximum polymorphism? So, co organelle ta maximum polymorphism jadi show karuchi pachra hobo, then it is answer is, its answer is lysosome. Poly mane puni again taku dekha gote term asla mane taku ame analysis kale janiba poly mane many. Morphism mane tumi already padhisaicho morphology, study of external forms and features of organism, morphology. So morphology mane morphism mane bibhinna form re thae. So poly mane many. Morphism means forms or many feature. Many feature re, many form re, many type re, jo organelle ta thae, that is lysosome. So jadi lysosome ra type sura ame padhiba, bartaman ame jani pariba how lysosome shows maximum polymorphism. Lysosome ta kemiti maximum polymorphism show karuchi ame jani pariba. So lysosome ra type sura ga ame dekhiba. What are the different types of lysosome ebe dekhiba. Lysosome ra jo type sura ga rahila ye generally गोटे रही है प्राइमरी लाइसोजोम सेकेंडरी लाइसोजोम ऑटोफाजिक लाइसोजोम एंड residual bodies or residual lysosome. So emiti charita form re lysosome rahuchi charita form re lysosome rahithbaru seta ko ame kahuche maximum polymorphism dekhuchi emiti konosi organelle nahi je ki emiti charita form re rahuchi. So lysosome is the organelle which shows maximum polymorphism. Jadi emiti question padithibo justify lysosome shows maximum polymorphism, then you have to describe the different types of lysosome: primary lysosome, secondary lysosome, autophagic lysosome and suicidal bodies. So primary lysosome ta kon dekho primary lysosome mane kon jota newly formed lysosome taku ame kahiba primary lysosome. Generally lysosome ko to originate hue na amar gote rahichi TGN. TGN ra full form hala trans Golgi network. So TGN विषय में गल्गी बॉडी जेती गले पढ़िबा सेती गले हमें क्लियर होबा. So TGN रु ही प्राइमरी लाइसोजोम टा आसी थाए एवं न्यूली फॉर्म्ड लाइसोजोम टा को हमें प्राइमरी लाइसोजोम कहचे. न्यूली फॉर्म्ड लाइसोजोम एटा हला प्राइमरी लाइसोजोम जो थरे कि एंजाइम गुडाक इनएक्टिव फॉर्म रे थांती. एंजाइम्स आर फाउंड इन इनएक्टिव तामने इनएक्टिव फॉर्म रे जदी एंजाइम मुडा रहइबो ताले एठी डाइजेशन एते हेई परिवो नाही. एंजाइम मुडा को इनएक्टिव फॉर्म रे थांती नुवा जो लाइसोजोम फॉर्म हेथे त कोचे प्राइमरी लाइसोजोम एवं सेकेंडरी लाइसोजोम टा कोन हे. व्हेन प्राइमरी लाइसोजोम कम्स इन कांटेक्ट विथ फैगोजोम इट फॉर्म्स सेकेंडरी लाइसोजोम. दैट मींस प्राइमरी लाइसोजोम प्लस फैगोजोम इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोजोम. सो फैगोजोम माने कौन? फैगोजोम माने कौन ना आमर एनी फूड वैक्यूल जदि कि सॉलिड फूड मटेरियल रखिला ताकु आमे गोटे फैगोजोम बोली कहुचे. सो आमे जानिचे लाइसोजोम फूड को ही डाइजेशन करिवार हेल्प करे. सो वैक्यूल जा भितर फूड मटेरियल रहिछि ताकु कहुचे फैगोजोम. सेही वैक्यूल संस्पर्श रे जेते बेले आसीबो प्राइमरी लाइसोजोम से दीटा एक यूनाइट हेकि करिवे सेकेंडरी लाइसोजोम. एंड दिस सेकेंडरी लाइसोजोम कंटेन्स एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म. एठी डाइजेस्टिव एंजाइम गुडाक एक्टिव फॉर्म रे थांती जहाँ फल कि ये दिस इज द रियल साइट ऑफ डाइजेशन. साइट ऑफ सेल्युलर डाइजेशन जदि कहिबा किए से इट इज सेकेंडरी लाइसोजोम. एंड ऑटोफेजिक लाइसोजोम विषय आम आलोचना करवा या पर ये गोटे गोटे क्वेश्चन हो पार सेपरेटली. रेसिडुअल बॉडीज विषय आलोचना करवा.
जे डाइजेसन हो सर किसी अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियाल लाइसोजोम रही जाए थाए। सो आम ऑलरेडी प्राइमरी लाइसोजोम क्या जाने प्राइमरी लाइसोजोम है न्यूली फॉर्म लाइसोजोम जो थे कि डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म थाए तेणु से डाइजेसन हो पारे सेकेंडरी लाइसोजोम कौन हुए दिस इज द साइट ऑफ डाइजेसन एंड दि सेकेंडरी लाइसोजोम इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोजोम विथ फैगोजोम एटी डाइजेस्टिव एंजाइम गुड़ाक एक्टिव फॉर्म में थाए सो दिस इज द साइट ऑफ डाइजेसन बट आफ्टर डाइजेसन डाइजेसन किसी अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियाल से लाइसोजोम रही जाए थे से लाइसोजोम कहते रेसीडुआल बॉडीज और रेसीडुआल लाइसोजोम दैट मीन्स लाइसोजोम कंटेनिंग सम अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियाल अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियाल इज कॉल्ड एज ऑटो रेसीडुआल बॉडीज और रेसीडुआल लाइसोजोम तामने डाइजेसन सरलापर जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियाल रहा से ही लाइसोजोम को आम कहे रेसीडुआल बॉडीज बर्तमान ये थर्ड टाइम आम डिस्कसन करवा व्हाट इज ऑटोफाजिक लाइसोजोम या कोई गोटे क्वेश्चन पड़ पारे तुमको प्रथम कही डैश इज नोन एज सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक ऑफ द सेल ताले तार आंसर होची लाइसोजोम क्वेश्चन टाइम पड़ थे जे व्हाई लाइसोजोम इज नोन एज सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक ऑफ सेल एंड दिस सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक और सुइसाइडल लाइसोजोम इज अदरवाइज नोन एज ऑटोफाजिक लाइसोजोम अगेन ए वर्ड टा को हम जदि पुनी एनालिसिस करिबा ऑटो माने निजे स्वयं ऑटोनोमस कॉलेज स्वयं चालित विद्या महाविद्यालय सो ऑटो माने निजे फैजिक माने फैजिक अर्थ हो खाइबा सो निजुकु निजे एटा डाइजेशन कर दउछ बा निजुकु निजे एटा खाई दउथिबारु आकु आमे कहचे ऑटोफाजिक लाइसोजोम एटा केते बेले होछ को समय से निजुकु निजे खाई दउछ जेते बेले सेल रे खाद्यर अभाव पड़े कौन से कारण रु खाद्य अभाव रे जेते बेले आमे रहु बा सेल भितरे खाद्यर अभाव जेते बेले पड़े से समय रे कौन हुए ना से डाइजेशन करी किछि एनर्जी रिलीज करबा पई से कौन करे निजुकु निजे डाइजेशन कर दिए एलंग विथ टोटल सेल को से मध्य डाइजेशन कर दिए केमिति करे ना ता भितरे जेते प्रकार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए सबुडा को से रिलीज कर दिए एवं टोटली निजुकु निजे डाइजेशन कर दिए सेल को मध्य डाइजेशन कर दिए एवं एटा को आमे कहि परिबानि कि आत्मघाती विस्फोरण कथा आत्मघाती माने कौन माने निजे तो मला पुणी चारिपाखे जी थी ताकू भी मारा से सुइसाइडल बम बोल कहे सुइसाइडल बम सुइसाइडल बैग मध्य कहे सुइसाइडल सैक भी कहे निजे निजे मला प्लस टोटल सेल को भी डिस्क्राइब कला तो क्वेश्चन टाइम पड़ थोड़ा व्हाई लाइसोजोम इज नोन एज सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल सैक ऑफ द सेल आम आंसर तार केमती करवा यह तुमको मुझे यहाँ तुम नोट कर टे मैंने इयरफोन देक शुणी रिव्यू करी एवं जहाँ मुझे कहे सेटा को लिखिदेव जदि तार आंसर हो क्वेश्चन टा कह तार आंसर कह क्वेश्चन थी एमती व्हाई लाइसोजोम इज नोन एज सुइसाइडल सैक और सुइसाइडल बैग ऑफ सेल तेल तार आंसर कौन हम आम लिखा एमती ड्यूरिंग द फूड स्कार्सिटी कंडीशन फूड स्कार्सिटी माने खाद्य अभाव समय ड्यूरिंग द फूड स्कार्सिटी कंडीशन व्हेन देर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एट दैट टाइम लाइसोजोम रिलीजेस ऑल इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स
व्हिच डाइजेस्ट इट्सेल्फ एंड ऑल्सो द टोटल सेल. दैट इज व्हाई लाइसोजोम इज नोन एज सुइसाइडल सैक और सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल. एटा गोटे क्वेश्चन हो पार. सेकेंड क्वेश्चन टा ऑलरेडी तो मुझे कही थी डिस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोजोम. सो एंड जदि क्वेश्चन थी ताहले पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर लाइसोजोम रो एठी हमें डिस्क्राइब कर परबा. एठी हमें चारटा एक लाइसोजोम को डिस्क्राइब करबा. सो एठी लिखि परबा लाइसोजोम शोज और लाइसोजोम इज प्रेजेंट इन फोर स्टेट्स. लाइसोजोम इज प्रेजेंट इन फोर स्टेट्स और फोर स्ट्रक्चर्स. चारि प्रकार रो लाइसोजोम रहछ. फर्स्ट वन इज प्राइमरी लाइसोजोम. ऑलरेडी कहि सारछि प्राइमरी लाइसोजोम कौन लिखिबा. लाइसोजोम व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टीजीएन और न्यूली फॉर्मड लाइसोजोम एंड इट कंटेन्स एंजाइम इन इनएक्टिव फॉर्म. सेकेंड टा कहिबा आमे सेकेंडरी लाइसोजोम. सेकेंडरी लाइसोजोम ऑलरेडी मु कहिछि जे लाइसोजोम व्हिच कंटेन्स एंजाइम इन एक्टिव स्टेट एंड इट इज द रियल साइट ऑफ डाइजेशन. एंड सेकेंडरी लाइसोजोम इज फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोजोम विथ फागोजोम. फागोजोम और प्राइमरी लाइसोजोम मिसिले सेकेंडरी लाइसोजोम होच. एंड थर्ड वन इज ऑटोफेजिक लाइसोजोम. ऑलरेडी डिस्कशन कले ऑटोफेजिक लाइसोजोम माने कौन. दिस टाइप ऑफ लाइसोजोम डाइजेस्ट इट्सेल्फ एंड सो ऑल्सो द टोटल सेल बाय रिलीजिंग ऑल द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोजोम. जिते हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अच्छी सब गुड़ा रिलीज कर देकी निजुक निजे डाइजेसन करदेव सेल को भी डाइजेसन करदेव. एंड चार नंबर टाइम कहे रेसीडुआल बडीज. रेसीडुआल बडीज और रेसीडुआल लाइसोजोम हूँ कौन. लाइसोजोम व्हिच कंटेन्स सम अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियल. दैट मीन्स लाइसोजोम विथ अनडाइजेस्टेड फूड मेटेरियल इज नोन एज रेसीडुआल बडीज. सो क्वेश्चन नंबर टू को निजे लिखा चेस्टा कर डेस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोजोम और डेस्क्राइब द फोर टाइप्स ऑफ लाइसोजोम. जब पढ़े क्वेश्चन तेल एगुड़ाक तार आंसर. सो आम ऑलरेडी लाइसोजोम टाइप्स पढ़िले लाइसोजोम किसी मैंने फंक्शन भी पढ़िले. इंट्रासेलुलर डाइजेशन से हेल्प करुच्छी अल्सो एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन हेल्प करुच्छी. तार डिटेल फंक्शन जब देखा आउ या छाड़ी मेन फंक्शन है डाइजेशन छाड़ी आउ दु तीन टा फंक्शन तार अच्छी. ये आम ब्रेकडाउन ऑफ एजिंग रे हेल्प करे. ब्रेकडाउन ऑफ एजिंग या अर्थ माने मनीष जो ओल्ड हुए बा कौन से एनिमल रो ओल्डनेस जो आसे ताकू ब्रेकडाउन करने को लाइसोजोम हेल्प करे. अगेन एटा कौन करे ना ड्यूरींग स्पर्म पेनिट्रेशन ड्यूरींग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म लाइसिन बोली गोटे एंजाइम सिक्रेशन करे जोटा कि एग बैरियर को डिजल्व करिवारे हेल्प करे. सो इट डिजल्व द एग बैरियर बैरियर बाय यूजिंग बाय रिलीजिंग एंजाइम स्पर्म लाइसिन. स्पर्म लाइसिन सो ये जिनस तुम फर्टिलाइजेशन जो पढ़ा हे जुलोजी से जानव जो से लाइसोजोम काम अच्छे. ब्रेकडाउन एजिंग यहाँ ये कर मेन काम हो रहा इट हेल्प्स इन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोजोम. देन अनदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया उपरे दि तीन टा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ुछि. माइटोकॉन्ड्रिया विषय में आलोचना करिबा आज रो ए क्लास रे. तापरे किछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा.